हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज की वीडियो उन सभी के लिए है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी उन जिनको भी परेशान कर रही है, जिनके भी रिश्ते थर्ड पार्टी ने ख़राब कर रखे हैं और थर्ड पार्टी इशू से जूझ रहे हैं, उन्हीं के लिए आज ये वीडियो है। ठीक है, साइन से देखेंगे, जो भी साइन आएगा वो उनसे उनके लिए होगी। तो आप लोग अपना अपना साइन देख लीजिएगा। और वीडियो का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी क्या स्टेप लेने वाली है। ठीक है, आपको भी इसका इंतज़ार है, मुझे पता है क्या स्टेप लेने का सोच रही है, वो देख रहे हैं हम। इसमें निकालेंगे, कुछ खुलासे करेंगे, उसके अंदर की बात निकालेंगे। तो पॉजिटिव रहिए और सबसे पहले देख लेते हैं इस रीडिंग के साथ एंजल्स आपको कौन सी एनर्जी देंगे। ठीक है, पहले निकाल लेते हैं कौन सी एनर्जी देंगे। क्लियर इनको बाद में कर दूंगी, पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तीन एंजल कार्ड्स निकाल लिए हैं और अब हम निकाल रहे हैं थर्ड पार्टी क्या स्टेप लेने वाली है उसके बारे में निकालेंगे। हमें मिला है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, बड़ी लालची लग रही है, जस्टिस निकला है। फूल, डेथ, और निकला है नाइन ऑफ कप्स। एट ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। बॉटम की एनर्जी है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। चलिए सबसे पहले साइन देखते हैं, साइन कौन कौन से हैं। हमारा अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऋषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन है लियो, एरीज, सैजिटेरियस, सिंह, धनु, मेष राशि। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। चलिए गाइस देखते हैं कि थर्ड पार्टी के दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह का स्टेप वो लेना चाह रही है और अभी प्रेजेंटली उसके रिलेशन आपके पर्सन के साथ किस तरह के चल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कार्ड्स निकले हैं उन कार्ड्स को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उनके रिश्तों में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि इन दोनों के बीच में खटपट चल रही है, पैसों को लेकर भी हो सकती है, नहीं तो छोटी छोटी बातों को लेकर इनके बीच में तनाव आ रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। ठीक है, जैसे ये देख रहे हैं ना, खड़ा हुआ है ये, तो ऐसे ही टेंशन में है, टेंशन में चल रही है, फंसा हुआ सा चल रहा है। जैसे ये पैसे फंसे हुए दिख रहे हैं ना आपको, उसी तरह से इनकी ज़िंदगी फंसी हुई चल रही है। कुछ मैटर्स ऐसे चल रहे हैं, कुछ इशूज़ लाइफ के ऐसे चल रहे हैं जिससे कि ना इनकी लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी बॉटम की एनर्जी दिखा रहा है, ट्रस्ट इश्यूज, एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के ऊपर शक हो रहा है और वो काफ़ी हर्ट भी है इस बात से, काफ़ी ज़्यादा हर्ट है और काफ़ी कुछ सोच भी रही है। ये देखो इतने सारे उसके थॉट चल रहे हैं, एट ऑफ वॉन्ड्स निकला है, कितने सारे थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से सोच रही है और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी सोच रही है। ये देखो डेथ का कार्ड निकला है, तो अभी फ़िलहाल वो ऐसा सोचती है कि
कैसा हो अगर ये रिश्ता ख़त्म कर दे वो, ऐसे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उसको अपने अपने लिए और पर्सन के लिए, ठीक है। उसको ऐसा भी लग रहा है कि एक इमेच्योर से उसने प्यार कर लिया, एक ऐसे इंसान से प्यार कर लिया जिसको कि प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसको कि मतलब ऐसा है कि इमेच्योर एनर्जी का, थोड़ा फ्लर्टिशियस, थोड़ा सा केयरलेस, अपनी ही दुनिया में जीने वाला, अपने ही सपनों में जीने वाला, इस तरह के पर्सन से उसने प्यार कर लिया है। अब उसको रियलाइज़ हो रहा है इतने टाइम बाद। तो अब जो है ना, थोड़ा सा फ्लर्टेशियस नेचर उसको उसके दिमाग में ट्रस्ट इशूज़ ला रहा है, और उसको लग रहा है कि ये औरों के साथ भी फ्लर्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, और उसके साथ चैट कर रहे हैं या औरों के साथ इन्वॉल्व हैं, इस तरह का थर्ड पार्टी दिमाग लगा रही है। और हो भी सकता है गाइज, आपके पर्सन हों ऐसे दिल फेंक हों जो हर किसी पर अट्रैक्ट हो जाते हों, इस तरह के हों। और देखो, कुछ पैसों के बारे में भी सोच रही है, मतलब सिक्योरिटी के बारे में भी सोच रही है थर्ड पार्टी, अपनी लाइफ टाइम सिक्योरिटी के बारे में सोच रही है। उसको जो है ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रही है, उसको लग रहा है कि आगे उसकी लाइफ में क्या होगा। तो ऐसे में वो अपना एक ग्राउंड बना रही है, फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो रही है धीरे धीरे करके, ठीक है। एक तो ये वो कर ही रही है, करना शुरू उसने कर ही दिया है, पैसों को लेकर सिक्योरिटी अपनी उसने बनानी शुरू कर दी है, ठीक है। दूसरा, अब वो अपने सपनों पर फोकस कर रही है। ऐसी जो उसकी विश थी, उसकी विश क्या थी, बहुत अमीर बनना था उसको, और उसको सब कुछ चाहिए था, जितने भी ऐशो आराम की चीज़ें हैं दुनिया में उसको वो सब चाहिए था। तो अब उसके लिए काम कर रही है वो, आपके पर्सन से तो होपलेस हो गई है। और देखिए, जस्टिस का कार्ड निकला है, तो जस्टिस का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको जस्टिस मिलना है, और अब वो एक कोई फैसला लेना चाहती है अपने इस रिश्ते के लिए, है ना। क्योंकि रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टावर आया है ये देखो, तो टावर खुद कार्ड यही बताता है कि ये रिश्ता टूटने की कगार पे है, या तो टूट चुका है या टूटने वाला है। टावर और डेथ दोनों साथ साथ आए हैं, तो ये बहुत कुछ कहानी बता देते हैं। ये रिश्ता ख़त्म होकर वो जो है नया कुछ आगे बढ़ना चाहती है, मूव ऑन करना चाहती है, ऐसा उसके दिमाग में चल रहा है। और आपके पर्सन के लिए काफ़ी कुछ नेगेटिव भी चल रहे हैं, गुस्सा भी हो जाती है आपके पर्सन से, कुछ बुरा भला भी कह देती है, शायद गालियाँ भी सुना देती है, ऐसा चल रहा है। तो फ्रस्ट्रेट है आपके पर्सन से वो थर्ड पार्टी इस टाइम, और इस टाइम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर्ड है ना। तो ये स्टेप तो यही लेना चाहती है कि ये रिश्ता ख़त्म करके वो आगे बढ़ जाए, यही पूरी तरह से ऐसा सोच ले कि अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है और एंड करना ही ज़्यादा ठीक है। ऐसा करने से ही उसके ड्रीम्स पूरे होंगे, जो उसके बड़े बड़े सपने हैं वो पूरे होंगे, ठीक है गाइज। और क्लियर करते हैं इसको कि उसकी प्लानिंग क्या है, किस तरीके से करेगी, किस तरीके से करने का सोच रही है थर्ड पार्टी, कि क्या क्या करेगी, कैसे करेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, देखो एक तो ना धीरे धीरे करके आपके पर्सन के पैसे अपने पास रखेगी, अपने पास, जैसे वो था ना इनसिक्योर्ड फील कर रही थी, तो ऐसे में अपनी सिक्योरिटी के लिए वो एक बैकअप बना रही है, अपना ग्राउंड बना रही है ना। तो ऐसे में आपके पर्सन से पैसे लेकर वो अपने खाते में डाल सकती है, अपने नाम करवा सकती है कुछ चीज़ें ऐसा। और आया है, अच्छा, ट्रस्ट इश्यूज, देखो फिर वही कार्ड आ गया, और इन पर नाम लगाएगी ट्रस्ट इश्यूज का, कि तुम कहीं और कर रहे हो, कहीं और चैट कर रहे हो, मतलब ऐसा है, लांछन लगाएगी उनके ऊपर थर्ड पार्टी कि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, बड़ी बड़ी बातें करेगी,
है ना, और ऐसे दिखाएगी जैसे खुद बहुत दुखी है इस बात से, बहुत ज़्यादा हर्ट है। और इसी बात को लेकर वो कम्युनिकेशन बंद कर देगी आपके पर्सन से, मतलब बंद कर देगी धीरे धीरे, यही बात से, इस बात की वजह से, ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से, उनके ऊपर नाम लगा के और उन्हें जो है बिल्कुल अकेला कर देगी, लात मार के बाहर। देख रहे हैं आप, अकेला आ गया पेड़ के नीचे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है बहाना बनाएगी कि उसको कहीं काम से जाना है, बाहर जाना है, या कुछ आगे फॉरेन जाना है, कुछ इस तरह की प्लानिंग बनाएगी बड़ी बड़ी कि करियर के लिए कुछ करना है उसे, तो ये कहकर वो निकल जाएगी आपके पर्सन की लाइफ से, है ना। कुछ यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी जो है अपने घर वालों का इशू बनाएंगे, घर वाले ऐसा मना कर रहे हैं या ऐसा ऐसा कुछ कह रहे हैं, कलेश हो रहे हैं, इस तरह की बातें रखेंगी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, बहुत सारे लोग पीछे लगे हुए हैं। कुछ थर्ड पार्टी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसे बहाने बनाएंगी कि जैसे कि बहुत कुछ, सब कुछ उनका जैसे उजड़ चुका है और वो पूरी तरह से बंधे हुए हैं, ऐसे बहाने बनाएंगी। बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हैं और लोन चढ़ चुका है, या फिर कुछ इस तरह से कि ना, जैसे पिक्चर आप देख ही रहे हैं, पूरी तरह से बंधे हुए हैं और ढेर सारे ये बच्चे चिल्ला चिल्ला के पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, चिपके पड़े हैं, है ना, और इसकी आंखों पे पट्टी बंधी है। तो इस तरह से अपनी सरकमस्टेंसेस का बहाना बनाएंगे थर्ड पार्टी कि वो तो बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं और आपको नहीं फंसाना चाहते हैं, इसलिए दूर जा रहे हैं आपसे। कुछ लोगों की थर्ड पार्टी यहाँ पर, कुछ थर्ड पार्टी इस तरह से प्रिटेंड करेंगी, पर्सन को इस तरह से दिखाएंगी कि उनकी लाइफ आगे बहुत अच्छी है और उन्हें आगे बढ़ना चाहिए अपनी लाइफ में, वही खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, और या जिसके साथ भी खुश रहें आगे बढ़ जाएं, इस तरह से दिखाएगी थर्ड पार्टी, ठीक है। जो थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट क्या है वो और देख लेते हैं। एक तो उसको ट्रस्ट इश्यूज तो हैं ही और परेशान भी हो चुकी है। हाँ, ये देखो, दो चीज़ों के बीच में वो झूल रही है, दो ऑप्शन लेके बैठी हुई है थर्ड पार्टी, है ना, उसके दिमाग में दो प्लानिंग चल रही हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया हो, ये भी हो सकता है गाइस, है ना, या फिर कोई और के लिए देख रही हो आगे अपनी लाइफ, कुछ और देख रही हो वो, है ना। टू ऑफ कप्स, देखा, आ गया, लाइफ में कोई और भी चल रहा है, जो ये जो ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं ये ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, इन्होंने भी, थर्ड पार्टी ने भी कुछ कर रखा है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का कहीं ना कहीं कनेक्शन और है, और अब देखते हैं आपको क्या मिलने वाला है, फिर एंजल्स की तरफ से आपको क्या एनर्जीज मिल रही हैं इस रीडिंग के साथ, वो देखेंगे। एनर्जेटिक मूवमेंट, देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी का एनर्जेटिक मूवमेंट होने वाला है, ये दिख ही रहा है, तो अच्छा कोई स्टेप लेने वाली है, बहुत स्पीडी निकलेगी। और है ग्रीफ, ग्रीफ में यहाँ पर थर्ड पार्टी है, हर्ट है, वो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, काफ़ी हर्ट हो चुकी है ना, उसको ऐसा भी लगता है कि इमेच्योर इंसान से उसने प्यार कर लिया, है ना, तो काफ़ी हर्ट है। एंड आपको क्या मिलेगा इससे, आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है अबंडेंस, सारी खुशियाँ आपके आने वाली हैं, झोली में आने वाली हैं, ठीक है गाइज। और देखते हैं ज़रा, और भी कुछ निकालती हूँ आपके लिए, इतने बढ़िया कार्ड्स आए हैं थर्ड पार्टी के लिए, और भी देखते हैं और क्या है। सन का कार्ड आया है गाइज, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, अब बस आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं और आपको इन्हीं को ही एंजॉय करना है। और है अबंडेंस, क्रिएट, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस,
देखिए, जो अबंडेंस का कार्ड यहाँ पर आके बता रहा है ना, तो आप जो है एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। ये अच्छा अच्छा टाइम है, अभी ये राइट टाइम है। आप एनर्जी एक्सचेंज कीजिए अपनी अपने पर्सन के साथ, है ना। ऐसा करने से ना अबंडेंस जल्दी होगा आपका। और है ट्रस्ट इन द अननोन, और एंजल्स पर भरोसा रखिए, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, जो आपके लिए हमेशा हेल्प करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और देखते हैं इस रीडिंग के साथ आपको क्या एनर्जीज मिल रही हैं। देखो, एक तो आपको मिल रही है, बहुत बढ़िया कार्ड है, राधा का। तो ये लोग अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका जो लॉस्ट पार्ट खो गया है, जो आपका खो गया है ऐसा प्यार, उसको वापस लाने के लिए आपको ये एनर्जी दे रही हैं। ऐसी एनर्जी दे रही हैं, उस एनर्जी से आप अपने पर्सन को वापस पा लेंगे, उनका प्यार वापस पा लेंगे, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप में हार्मनी आएगी और आप हीलिंग कर पाओगे अपनी अपने रिलेशनशिप में। तो ऐसी एनर्जी राधा आपको दे रही हैं, और ये दे रही हैं, ये ना आपको क्लियर लाइट की एनर्जी दे रहे हैं। ऐसी लाइट आपके साथ रहेगी जो आपको क्लियर दिखेगा, क्लियर आप समझ पाएंगे। मतलब ऐसा अगर किसी चीज़ में कुछ छुपा हुआ भी है ना, तो भी आप उसमें क्लियर पकड़ लेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है या ऐसा लग रहा है। समझ रहे हैं। और लॉर्ड शिवा, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, भोलानाथ हैं, कुछ भी कर देंगे, है ना। ये आपको अबंडेंस दे रहे हैं, वो आपकी मनोकामना जो इतने टाइम से आप इनसे मांग रहे थे, वो आपकी फुलफिल होने वाली है। ये आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। और आपको आगे कैसे बढ़ना है उस पर रोशनी दिखाएंगे, ये आपको आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है गाइस। बहुत बढ़िया रीडिंग है। मुझसे अगर अपने रिश्ते को लेकर किसी तरह की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, या और भी कुछ पर्सनल रीडिंग्स अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत खास हैं। मिलते हैं एक और बढ़िया सी वीडियो में। आई लव यू ऑल।